इस खबर के सह प्रायोजक है संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते बुंदेलखंड के सभी बांध लबालब हो चुके हैं और लगातार बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी लगातार जारी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित राजघाट बांध में भी पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी लगातार जारी है एवं प्रशासन समय समय पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो वहीं जिले के तालबेहट स्थित माताटीला बांध के भी गेट खोलकर लगातार पानी की निकासी जारी है, जिससे झांसी जिले के कुछ नदी और नाले उफान पर है। साथ ही सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे वाहन चालकों को वहां से निकलने में काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और वह इंतजार कर रहे हैं कि आखिर नदी नालों से पानी कब कम होता है और वह अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बांधों पर सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ललितपुर जिले के साथ साथ झांसी जिले के भी बांधों में जलस्तर काफी बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते बांधों से पानी की निकासी लगातार जारी है। तो वहीं झांसी जिले के बबीना क्षेत्र अंतर्गत सुखवां धुकवां बांध पर मौसम की करवट के साथ ही बांध के आसपास सैलानियों का जन सैलाब उमड़ा पड़ा और बांध पर सैलानियों का समय के बदलते परिवेश में सेल्फी का क्रेज अच्छा खासा देखने को मिला। अब हम आपको वह तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपका भी मन इस सैलानियों को देखकर एंजॉय के जरूर विचलित करेगा। लेकिन ललितपुर लाइव टीवी आप सभी से अपील करता है, सेल्फी लेते समय सतर्कता जरूर बरते, जिससे कि सेल्फी के चक्कर में कहीं आपको पछताना ना पड़े। साथ ही ललितपुर लाइव टीवी यह भी अपील करता है कि अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करे, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि ताज़ा खबरों और मनोरंजन का अपडेट आप सभी को समय समय तक मिल सके। देखिए ललितपुर लाइव टीवी के लिए बबीना से गोविंद यादव की रिपोर्ट।